आ गई वही उसकी धूम थी। वो एक अपनी जात में इकाई थी या हुजूम थी, गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी, हाँ वो बेनज़ीर थी, हाँ वो बेनज़ीर थी। जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उनवान है बेमिसाल बाप की बेमिसल बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। हाँ जनाब सदर, वो बेनज़ीर भुट्टो जिसको कायदे आवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्यार में पिंकी कहा करते थे, वो बेनज़ीर जो मुस्लिम दुनिया में पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, जिसकी सारी ज़िंदगी नशेब फराज़ का सामना करते गुजरी, पैदाइश से लेकर शहादत तक, बाप की वजारत उज़्मा से लेकर फांसी के दर्दनाक लम्हात तक। और जब आपने पार्टी की क़यादत संभाली तो कौमी सियासत में सबको पीछे छोड़ दिया, हर किस्म की खारजी और दाखिली साजिशों का डट कर मुकाबला किया, अपने उसूलों को अपना हथियार बनाकर मुखालफिन को ज़ेर किया। वो बेनज़ीर जिसने मुआशी सियासी समाजी कौमी और बैन अल-अक़वामी महाज़ों पर मुतअद्दिद कामयाबी हासिल की, मर्दों की बालादस्ती वाले मुआशरे में हर किस्म के हालात का जुरतमंदी से मुकाबला किया। यही वजह है कि उनके मुखालफिन उन्हें आरे लेडी के लकब से याद करते हैं। जनाब सदर, बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने के लिए दहशतगर्दों ने बुजली का सबूत देते हुए बार बार हमले और जोरदार धमाके करवाए, लेकिन आपके इस्तक़लाल में कोई लर्जिश पैदा ना कर सके, बल्कि बुजलों को खुला चैलेंज करते हुए कहा, हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेर कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। जनाब सदर, आखिर वो मनहूस लम्हा भी आ गया जब कायरों और बुजलों ने आपको शहीद कर दिया। आज भी 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन कोई माने को ध्यान नहीं कि बेनज़ीर हमारे दरमियान नहीं रही। तो आखिर मैं यही कहूँगी, हो अगर खुद नगर व खुद गर व खुद गिर खुदी, हो अगर खुद नगर व खुद गर व खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। बेनज़ीर की अज़मत को सलाम, आपकी तवज्जो का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।